नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। ग्रेटर नोएडा में धनकौर कोतवाली के ईश्वरपुर गांव में रक्षा मंत्रालय में अधिकारी के पिता के बहुचर्चित हत्याकांड का धनकौर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हत्यारे साइको किलर को संरक्षण में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया है। हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने हत्यारे की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छुरी, मोबाइल और टार्च बरामद कर ली है। 22 मई को इसी स्थान पर जंगल में साइको किलर ने मृतक राजेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 75 वर्ष की ट्यूबवेल पर सोते समय हत्या कर दी थी। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर संबंधित पुलिसकर्मियों को केस को खोलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। ये मृतक राजेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 75 वर्ष, इन्हीं की हत्या 22 मई को रात के समय साइको किलर ने की थी। जिस साइको किलर ने इन्हें मौत के घाट उतारा उसको इन्होंने सहारा दिया था। हत्यारा सिकंदराबाद का मूल निवासी बिलासपुर कस्बे में अपनी मौसी के यहाँ रह रहा था। आवारा लोगों की तरह घूमना, जंगल में तीतर का शिकार करना उसका काम था। लोग उसे नशाड़ी के नाम से जानते थे। हत्या वाले दिन भी शाम को मृतक का पोता उसे बिलासपुर कस्बे में छोड़ के आया था। इसके बाद रात को 10 बजे वह बिलासपुर कस्बे से छुरी लेकर हत्या के इरादे से ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग के पास पहुंच गया और इसी स्थान पर हत्या की घटना को अंजाम दिया। जंगल में बिला वजह घूमने को लेकर बुजुर्ग ने एक दिन इसको डांट दिया था। डांट का बदला लेने और रुपयों के लालच के लिए ही बुजुर्ग की हत्यारे साइको किलर ने हत्या कर दी। हत्यारे को बुजुर्ग के पास पैसे होने का अनुमान था। इसी पैसों के लालच में उसने बुजुर्ग की ईंटों से हमला कर और छुरी से प्रहार कर जघन्य हत्या को अंजाम दिया। हत्यारा नशेड़ियों की तरह जंगल में घूमता रहता था। उसने छुरी से अपने शरीर पर भी कई बार घाव के निशान बना लिए थे। पुलिस के अनुसार हत्यारे को अपने किए पर कोई पछतावा और मलाल नहीं था। मृतक के परिजन भी इस खुलासे से संतुष्ट हैं। आइए क्या कहते हैं DCP राजेश कुमार सिंह इस केस के खुलासे पर। 22 की रात में ग्राम ईशेपुर थाना दरदौर में 75 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा आज थाना दरदौर पुलिस ने किया है। इसमें एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। यह अपने नाना नानी के यहाँ रहता है। इसके बाप का 13 वर्षों से पता नहीं है। माँ की 2 वर्ष पूर्व बीमारी से मृत्यु हो गई है। यह गलत संगत में पड़ गया है। यह तीतर पकड़ने के लिए मृतक के पास अक्सर आता जाता था। मृतक के परिवार वालों को भी इसके बारे में जानकारी है। इस लालच में इसने हत्या कर दी कि मृतक के पास से 8-10 हज़ार रुपया हमें मिल सकता है। लेकिन जिस दिन इसने हत्या किया उस दिन सिर्फ उनकी जेब से 50 रुपया मिला। यह मोबाइल और टार्च लेके गया था। मोबाइल और टार्च बरामद किया जा चुका है। आला कत्ल बरामद हो गया है। इसको बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में लिया जा चुका है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।